तो ब्रज में शिव जी का जो स्वरूप है पांच नाम से प्रसिद्ध है ब्रज के अंदर में। पहला स्वरूप वृंदावन में जो गोपी के रूप में रहे थे, गोपेश्वर महादेव। जब भगवान कृष्ण का मारास हुआ था तो वहाँ पुरुष का जाना ब्रज नहीं था, तो वहाँ शिव जी गोपी का रूप धारण करके महाराज लीला देखने गए थे। तो वहाँ गोपी का रूप धारण करके गए थे। और मथुरा में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि जो कंस का जो पैरा था ना भूत का, तो वहाँ शिवजी रक्षा करने के लिए भूत बन के रहे थे कि जो भी राक्षस होगा वह सबसे पहले मैं ही मार दूंगा, कृष्ण के पास कोई जाएगा भी नहीं। तो वहाँ भूतेश्वर महादेव हैं। और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, जो गिरिराज पर्वत को उठाया था, उसकी भी कथा है। तो वहाँ शिवजी चक्र के रूप में गिरिराज पर्वत को उठाया था। और कामबन में राजस्थान पड़ता है हमारे यहाँ, नंदगांव से जाकर के 2 किलोमीटर बॉर्डर है राजस्थान, जहाँ 84 कोस की परिक्रमा जाती है। तो उसका नाम कामेश्वर महादेव है, जो ब्रह्मा जी के स्वरूप में वहाँ दर्शन किया था। और नंदगांव एक नंदीश्वर पर्वत है, जो शिवजी का पर्वत है, जहाँ शिवजी आँस लगा के बैठे थे। ये पांच नाम से प्रसिद्ध हैं। तो यशोदा मैया कहती है बाबा से, देख बाबा अब तू तो छोटा मोटा बाबा नहीं है, तू तो हमारे लाला का एक खिलौना बन गया है, खिलाने वाला। तू तो ऐसा कर, मेरे यहाँ नंद भवन में ही बास कर और ब्रज में बास कर। तो यशोदा मैया कहती है कि रह रे जोगी नंद भवन में और ब्रज में बासो कीजे, और जब जब मेरो लाला रोवे ना तब तक दर्शन दीजिए। जब मेरो कन्हैया रोया करे ना, जब तू दर्शन दे दिया कर, तो तब यहाँ से विराजमान है। तो ब्रज में पांच नाम से प्रसिद्ध हैं। राधे राधे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.